हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों दोस्तों, आप सबका वेलकम है आज के हमारे करंट अफेयर के शो में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे 12 और 13 तारीख यानी संडे और मंडे का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, कल यानी 14 तारीख को अपना लॉकडाउन खत्म होने वाला है। पीएम मोदी जो है 10 बजे सुबह आई थिंक जो है वो देश को संबोधित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे डिसीजन ले, फर्म डिसीजन ले और लॉकडाउन बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि COVID-19 की फाइट और स्ट्रांग हो सके। चलिए दोस्तों, ऐसी नोट पे हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी आज की T20 नेशन जो कि है, जिसमें हम कंट्री करेंसी कैपिटल लीडर यहाँ पे कवर करते हैं। दोस्तों, G20 की ऑब्जर्वर नेशन है यूनाइटेड किंगडम। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये जो है, ये जो ग्रेट ब्रिटेन का आइलैंड है और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है आयरलैंड का, और कुछ स्मॉल आइलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। अगर यूनाइटेड किंगडम की इम्पोर्टेंट कंट्रीज की बात करें तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, ये चार इम्पोर्टेंट नेशन है ग्रेट ब्रिटेन के, और इनको मिला के जो है, और कुछ स्मॉल आइलैंड और हैं, तो इन सबको मिला के ग्रेट द यूनाइटेड किंगडम बनता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, कुछ स्मॉल आइलैंड्स और मिला के बनता है द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और यहाँ पे करेंसी है पाउंड। दोस्तों, अगली न्यूज है सियाचिन डे की, 36 सियाचिन डे। दोस्तों, सियाचिन डे बनता है अब 13 अप्रैल को, हर 13 अप्रैल को। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो इंडियन आर्मी है उसने जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटल फील्ड है, जिसे फ्रोजन फ्रंटियर भी कहते हैं, उसको इंडियन आर्मी ने प्रोटेक्ट करा था। और ऑपरेशन मेघदूत उन्होंने लॉन्च किया था 13 अप्रैल 1984 को, जिससे उन्होंने जो बिलासपुर ला, यानी बिलासपुर पास है और ऐसे ही और पास है, पासेस होते हैं, रास्ते होते हैं, जिन्हें पाकिस्तान से बचाया था। तो 13 अप्रैल 1984 सियाचिन डे के लिए मनाया जाता है, और ऑपरेशन मेघदूत इस दिन कंडक्ट करा था इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से इंडिया के कुछ हिस्सों को, जो कि जैसे बिलासपुर ला या और इसी हिसाब से जो अदर पासेस हैं जो कि सोल्टोरो रिजिड लाइन में आते हैं, उसको पाकिस्तान की आर्मी से बचाया था इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने। अगली नजर दोस्तों, WHO जो है वो जो COVID-19 पेशेंट जो कि पॉजिटिव हुए निकले थे और इनिशियली पॉजिटिव निकले थे उन पे, मतलब जो इनिशियली नेगेटिव निकले थे, क्या उनमें COVID-19 के सिम्टम्स अभी और दिखने लगे हैं? तो इसी की जांच जो है WHO जो है अपनी एक स्टडी में कर रहा है, जिसमें वो ये देख रहा है कि जो पेशेंट इनिशियली नेगेटिव निकले थे क्या उनमें दोबारा सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहे COVID-19 के। तो ये जांच जो है WHO कर रहा है। चाइना सेंट्रल बैंक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही चाइना सेंट्रल बैंक है, उसने 1.01% जो है, जो अपनी HDFC बैंक है उसमें खरीद लिया, उसको उसका हिस्सा 1.01 जो है परसेंट स्टेक जो है HDFC का खरीद लिया है। और ये मिला के कम से कम चाइना ने 1.75 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो HDFC में कर लिया। इतने शेयर जो है चाइना के पास, चाइना सेंट्रल बैंक के पास हो गए हैं। गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 20 लाख सुरक्षा स्टोर्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया खोलने के प्लान कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों, इस इनिशिएटिव में जो है, जो किराना स्टोर है वहाँ पे जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे रिटेल्स या फिर जो डेली चीजें जो अपन को जरूरत पड़ती हैं, वहां से आराम से ली जा सके, और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जो है वो मेंटेन रखा जा सके, तो ऐसे स्टोर्स जो है वो सरकार जो है, भारत सरकार वो खोलने वाला है। दोस्तों, 12 तारीख को, 12 अप्रैल को जो है
इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है मनाया जाता है, और ये डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन 1961 में फर्स्ट ह्यूमन ऑर्बिटल फ्लाइट हुई थी जो कि यूरी गार्गिन ने ली थी। तो ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी जो कि यूरी गार्गिन ने ली थी 12 अप्रैल 1961 को। इस डे को जो है दोस्तों इस डे उस दिन के बाद से ये दिन 12 अप्रैल का इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के तौर पे मनाया जाता है हर साल। इंडोनेशिया का दोस्तों वॉल्केनो है अनंत करकाटू जो है अभी कुछ दिनों पहले वो इरप्ट हुआ था। साथ ही साथ इसके दोस्तों को कुछ और जो वॉल्केनो है जो कि इंडोनेशिया के में है, जैसे वेस्ट सुमात्रा में है एक माउंट कैरिसनिकी, माउंट सुमेरु जावा में, ईस्ट जावा में, और माउंट मेरापी सेंट्रल जावा में, ये जो है एक्टिवेट हुए थे, इरप्ट हुए थे। तो ये कुछ नाम है वहां के वॉल्केनो के, एक्टिव वॉल्केनो के जो कि इरप्ट हुए हैं अभी हालिया में। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जकार्ता है, ये G20 समूह में भी, G20 समूह का भी हिस्सा है इंडोनेशिया, और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, छोटा सा था, इसमें हमने इम्पोर्टेंट सारी खबरें कवर करी जो कि जरूरी थी। संडे था, संडे को इतनी इम्पोर्टेंट खबर होती नहीं है, मंडे को भी थोड़ी सी थी, तो जो जो भी इम्पोर्टेंट थी हमने आज के प्रेजेंटेशन में कवर कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए दोस्तों में कुछ करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे आपको हर करंट अफेयर क्विकली और वेरी क्विकली मिलेगा। थैंक यू।